सोच रहे होंगे दोस्तों कि ये रोज़ प्लांट्स के सुंदर सुंदर फूल जो है खिले हुए हैं, मैं इन सबको क्यों काट रही हूँ, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हैवी फ्लावरिंग हुई है रोज़ प्लांट्स में, और ये सारे खूबसूरत प्लांट को मैं कट कर रही हूँ दोस्तों, तो वो भी मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। यहाँ पर देखिए मैंने सारे फूल कट कर लिए हैं और एक प्लेट में रख लिया है। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने कामों में मस्त और व्यस्त भी होंगे। तो ये फ्रेंड्स, ये जितने भी फ्लावर खिले हुए हैं देखिए, इन सबको मैं कट कर लेती हूँ। और ये क्यों कट करूँगी? क्योंकि मैं इसे एक बायो एंजाइम बनाऊँगी। वैसे तो बहुत सारे, जैसे सब्जी के बायो एंजाइम बनते हैं, मेरी गोल्ड फ्लावर के बायो एंजाइम बनते हैं, लेकिन आज दोस्तों मैं इन सारे जो सुंदर सुंदर ताज़े फूल खिले हुए हैं ना, इन सबको कट करके मैं बायो एंजाइम बनाऊँगी। और ये रोज़ प्लांट्स के बायो एंजाइम बहुत ही अच्छा होता है हमारे प्लांट्स के लिए, बहुत ही इसमें विटामिन्स मिनरल्स ज़्यादा मिलते हैं जितने में हमारे प्लांट्स के लिए। तो आप इस बायो एंजाइम को कैसे मैं बनाऊंगी वो मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी। तो दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और बेल आइकन की घंटी होती है ना, उसे प्रेस करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों चलिए, इन सुंदर सुंदर ताज़े फूलों को कट करके और इसको बायो एंजाइम बनाती हूँ। वैसे इसको काटने में बहुत दया आ रही है, क्योंकि मुझे रोज़ प्लांट्स काटना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन इन ये अगर नहीं काटूंगी तो भी ये झड़ जाएगा, तो इससे अच्छा है कि इसका बायो एंजाइम ही बना लेते हैं। तो चलिए कैसे बनाते हैं देखते हैं। यहाँ पर दोस्तों देखिए, ये मैंने सारे जो रोज़ प्लांट्स मेरे जो बगिया में थे, वो सारे रोज़ प्लांट्स को कट कर लिया है और इसे एक प्लेट में रख लिया है। और ये जो है ना, ये हाइब्रिड वैरायटी के हैं और देसी वैरायटी दोनों के हैं, तो दोनों को मैं कट कर ली हूँ। और इसको अब देखिए, इसमें से जितने भी इसके पंखुड़ियाँ हैं, मतलब इसकी ब्रांच को छोड़ के सारे पंखुड़ियों को निकाल लेती हूँ, क्योंकि बायो एंजाइम बनाने के लिए इनकी पंखुड़ियों की ज़रूरत है। तो अच्छे से इसको निकाल लेती हूँ ताकि सारी पंखुड़ियाँ एक एक अलग हो जाए, और तब इसका बायो एंजाइम हम बनाएंगे। ये देखिए, ये रोज़ प्लांट्स के सारी पंखुड़ियाँ मैं निकाल दी हूँ, और इन पंखुड़ियों से ही मैं रोज़ प्लांट्स के बायो एंजाइम बनाऊंगी। और बना के इस पर स्टिकर ले लिया है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 2020 और 4 जनवरी का ये बनाया हुआ है। यहाँ पर ये भी एक मैंने बनाया है, तो ये है मैरीगोल्ड के फूलों के, उसका भी बना सकते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने सब्जी की बनाए हैं, और ये 22 मार्च को मैंने पिछले साल बनाया था। और ये मेरे ऑरेंज पील्स है, देखिए ऑरेंज का मैंने बनाया है, ये भी पिछले साल बनाया था। तो इसका उपयोग हम सभी तरह के पौधों में कर सकते हैं। तो आज दोस्तों रोज़ प्लांट्स के पंखुड़ियों की मैं बना रही हूँ, देखिए रोज़ प्लांट की ये पंखुड़ियाँ हैं, इससे मैं बायो एंजाइम बनाऊँगी। और इसके लिए दोस्तों हमें ऐसा बोतल चाहिए, देखिए ऐसा बोतल या फिर ऐसा बोतल चाहिए, प्लास्टिक का ही बोतल होना चाहिए, नहीं तो जब इसमें एयर बनता है तो उसको फटने का चांस है, इसलिए इसे प्लास्टिक का ही बोतल चाहिए हमें। तो इस तरह की बोतल चाहिए दूसरी, और ये हमें पानी चाहिए, ये 100 ml चाहिए गुड़, और पानी चाहिए। तो पानी में मैंने देखिए ये गुड़ डाल दिया है, जैसे देखिए डाइल्यूट होने के लिए डाल दिया है पानी में, तो ये डाइल्यूट होते रहेगा तब तक हम अपना काम करेंगे। या ऐसे तोड़ तोड़ के देखिए डाल देंगे, ऐसे इसको अच्छे से मिला लेना है ताकि पूरे पानी में ये घुल जाए और ये डिकम्पोस्ट कर दे। तो दोस्तों ये जो प्रोसेस होता है, ये 3 महीने का प्रोसेस होता है कोई भी बायो एंजाइम बनाने का। पानी में गुड़ डाइल्यूट हो गया है, बिल्कुल पानी का कलर चेंज हो गया है देखिए। तो इस तरह के जब ये 100 ml जब पानी में घुल जाए तब इसको हम प्रोसेस करेंगे। तो ये देखिए प्लास्टिक की बोतल मैंने लिया है, और इसमें सभी पंखुड़ियों को ऐसे डाल देंगे, जितने भी पंखुड़ियाँ हैं, या तो आप छोटे छोटे करके तोड़ के डाल सकते हैं, ये बहुत ही आसानी से डला जाता है। चौड़े मुंह वाले बोतल लेने में दिक्कत होती है, क्योंकि उसकी जो ईयर होती है वो जल्दी निकल जाती है, इसलिए पतले मुंह वाली बोतल को ही ज़्यादा यूज करना ज़रूरी रहता है। वैसे आप चौड़े मुंह वाली बोतल का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा सही रहता है। तो इस तरह देखिए मैं सभी को डाल दे रही हूँ। अब दोस्तों जो गुड़ वाली पानी हमने बनाया था उसको मैं डाल दे रही हूँ इसमें, देखिए ये गुड़ वाला पानी डाइल्यूट हो गया है। तो अच्छे से डाइल्यूट होने के बाद ये 100 ml का बन गया है, और इसको मैं डाल दे रही हूँ। और डालने के बाद देखिए यहाँ पर इसका कलर चेंज हो गया है,
यहाँ देखिए, और ये इतना आ गया है। अब इसमें मैं 1/3 पानी डाल दूंगी, और पानी डालने के बाद ये यहाँ तक आ जाएगा। तो इसमें पानी डाल देते हैं दोस्तों, और पानी डालने के बाद ये एक तिहाई खाली रहेगा, 1/3 भर जाएगा। तो बहुत अच्छे से ये काम कर रहा है, और थोड़ी सी आवाज़ आ रही है बैक में, तो उसे इग्नोर कीजिएगा दोस्तों। ये तो देखिए, यहाँ पर हम पानी डाल दिए। अब इसको हम ढक्कन लगा के 3 महीने तक ऐसे रखेंगे, 3 महीने तक। और फिर इसमें स्टिकर ऐसा आप जिस डेट को भी बनाएं वहाँ पर लिख लें, ताकि याद रहेगा, ऐसा स्टिकर बना के तो मैं भी इसमें चिपका दूँगी। और इसको डालने का प्रोसेस है दोस्तों कि 1 लीटर पानी में 100 ml इसका लिक्विड जो बायोएंजाइम बनाते हैं उसको हम मिला के अपने पौधों पर स्प्रे कर देंगे, या फिर मिट्टी में डाल के 1 बाल्टी पानी में 250 ग्राम में बायोएंजाइम डाल के हम अपने प्लांट्स के मिट्टी में डालते हैं, तो बहुत ही अच्छा वर्क करता है। और ये एक तरह का फर्टिलाइज़र भी है, और ये कीड़े मकोड़े को भी भगाता है, और कितनी कलियाँ उलियाँ बनती है वो सबको बचा के रखता है। तो यहाँ तक देखिए मैंने पानी भर दिया है। अब रोज़ इसमें एक काम ज़रूर करना है, इसको हल्का सा खोलेंगे और ईयर निकल जाएगा, फिर इसको इतना पर बंद कर देंगे। तो इस तरह रोज़ करेंगे तो जितने भी ईयर बनेंगे वो निकल जाएंगे। अगर ऐसा हम नहीं करते हैं तो ये बोतल फटने का चांस रहता है, इसीलिए मैंने मना किया था कि शीशे के बोतल में इसे नहीं बनाना चाहिए। तो प्लास्टिक की बोतल रहेगी तो इसको रोज़ याद इसको ऐसी जगह रखें ताकि हमारा नज़र रोज़ पड़े, और उसको हम रोज़ ऐसे ढक्कन खोल के, हल्की सी ढक्कन खोल के ऐसे प्रेस कर दें ताकि जो भी स्प्रे निकल जाए, इसकी हवा निकल जाए। और ये 3 महीने में दोस्तों रेडी हो जाएगा। हमारे मेरी गोल्ड के हैं और ये रोज प्लांट्स के हैं, तो ये हमारा 3 महीने बाद तैयार हो गया है। देखिए ये 3 महीने का है, तो ये तैयार हो गया है, और ये 3 महीने बाद इसको हम, ये हमारा भी तैयार हो जाएगा। तो इसका प्रोसेस वही है दोस्तों, ढक्कन रोज़ खोलना है 1 सप्ताह तक, उसके बाद एक एक दिन बीच करके ढक्कन खोलना है, उसके बाद एक एक सप्ताह पर भी आप खोलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी, आपका ये प्रोसेस तैयार होता है। अब इस बायोएंजाइम को यूज कैसे करना है दोस्तों, देखिए ये मैंने 1.5 लीटर का ये मेरा स्प्रे बोतल है, और इसमें मैंने 1 लीटर पानी ले लिया है, और 1 लीटर पानी में मुझे 100 ml ही लेना है बायोएंजाइम, चाहे वो सब्जी वाले बायोएंजाइम हो या फिर फ्लावर वाले या फिर रोज प्लांट रोज फ्लावर वाले। तो यहाँ पर देखिए मैंने सब्जी वाले ले रखा है, और यहाँ ऑरेंज का भी बायोएंजाइम मैंने बनाया है, तो उसको अभी मैं नहीं यूज कर रही हूँ। ये सब्जी वाले मैंने 100 ml ले रही हूँ, तो ये 100 ml मेरा छोटा ढक्कन है, तो इससे नाप के मैं 4 ढक्कन ले लेती हूँ, और ये 4 ढक्कन जो होगा ना ये 100 ml बन जाएगा। तो इस तरह ये जो बायोएंजाइम है बहुत स्ट्रांग होता है हमारे पौधों के लिए, और इसको मिट्टी में जब हम मिला के डालते हैं तो अगर 10 लीटर बाल्टी में पानी लिए हैं तो उसे 250 ग्राम उसमें मिला के हम मिट्टी में भी डाल सकते हैं, तो ये बहुत अच्छा वर्क करता है। तो इसे देखिए बंद करके, और अपने सारे प्लांट्स पर, जितने भी फूल वाले प्लांट है या फिर सब्जी वाले प्लांट है, उन सब पर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए सब ये सब्जी वाले प्लांट है, और जितने भी फूल वाले प्लांट है उन सब पर भी हम स्प्रे कर देंगे, और मिट्टी में भी डाल सकते हैं। तो इस तरह हम अपने बायोएंजाइम इन गुलाब के फूलों का तैयार कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो पसंद आई होगी तो कमेंट जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने